दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे कोई बीमारी समझता ही नहीं है और इसे कहते हैं भस्मक रोग, यानी बुलिमिया नर्वोसा, यानी अतिक्षुधाशय, यानी अतिक्षुधा। मतलब नहीं समझे, सामान्य भाषा में कहूँ तो अति भूखड़पन होना, बार बार खाना। और इसे मैंने बताया कि इसे कोई बीमारी नहीं मानता, लेकिन आधुनिक शोधों के द्वारा अब यह रिसर्च किया जा रहा है और इसे इस एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर माना जा रहा है। और इसकी वजह कोई शारीरिक नहीं, कोई व्यवहारिक नहीं, यह एक मेंटल डिसऑर्डर भी है। अब हम इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं और इसके उपचार क्या हैं, इस पर बात करते हैं। लक्षण, अब इस बीमारी के लक्षण यह है कि ऐसा पीड़ित व्यक्ति बार बार खाना खाता है, बार बार वह भोजन की तड़प उसको रहती है। अभी उसने भोजन किया, थोड़ी देर बाद उसे फिर भोजन की जरूरत पड़ती है और वह बार बार इस तरह के खाना खाने के कारण अपच, बदहजमी का शिकार रहता है। अब उसे पचाने के लिए वह कई प्रकार की दवाइयाँ, कई गोलियाँ, कई चूर्ण, इस तरह की चीज़ों को ढूंढता रहता है। उसे बार बार शौच जाने की जरूरत पड़ती है, यूरिनेट करने के लिए भी उसे बार बार जाना पड़ता है। ऐसा पीड़ित रोगी थकान में रहता है, उसे बहुत जल्दी थकान आती है। तो यह कुछ सामान्य लक्षण है इस बीमारी के, विशेष कोई इसके लक्षण नहीं है, क्योंकि ऐसा पीड़ित व्यक्ति बिल्कुल सामान्य नज़र आता है। और हमारे समाज में भी जब कोई ज़्यादा व्यक्ति खाता है तो हम उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं मानते, हम सोचते हैं कि उसकी डाइट अच्छी है। अब इस बीमारी के कारण क्या हैं, जैसा कि यह एक ईटिंग डिसऑर्डर के साथ में एक मेंटल डिसऑर्डर है, ऐसा पीड़ित व्यक्ति तय ही नहीं कर पाता है कि मुझे कितना भोजन लेना है, कितना खाना खाना मेरे लिए ज़रूरी है। बस वह खाता जाता है, उसे कंट्रोल करना नहीं आता। और इसके कारण कई सारे हैं और इसमें बहुत हद तक कारण आनुवांशिक है। हमारे जीन्स में यह हमारे दादा परदादा, नाना परनानाओं के माध्यम से पहुँचता है, तो यह हमें हो सकता है। कई कारणों में यह मेंटल डिसऑर्डर है तो यह तनाव अवसाद के कारण भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो गरीबी में रहा हो, जिसे खाना कम मिला हो, फिर जब उसे भोजन मिलना लगा हो तो वह उसके भीतर अब ऐसा आ गया है कि मुझे ज़्यादा भोजन लेना है, ऐसे व्यक्ति भी पीड़ित हो सकते हैं। जिनको अकेले रहने की आदत होती हो तो वे भी ऐसे लोग पीड़ित हो सकते हैं। अब ऐसे लोग खाना बार बार बहुत खाते हैं, हड़बड़ी में खाते हैं और ऐसे खाते हैं जैसे अब खाना उनको मिलेगा ही नहीं। तो कारणों में विशेष कारण आनुवांशिक के साथ में मेंटल डिसऑर्डर ही है। अब इस बीमारी का पता कैसे लगाएं? जैसा मैंने बताया कि ऐसे पीड़ित रोगी बिल्कुल सामान्य नज़र आते हैं, लेकिन आज कई ऐसी टेस्ट हैं जहां पर आप उचित विशेषज्ञ चिकित्सक के पास पहुंचे, वे आपके यूरिन, ब्लड के माध्यम से आपका टेस्ट करेंगे, आपके कई हार्मोन्स को चेक किया जाएगा और इस बीमारी का पता आसानी से अब लगाया जा सकता है। निवारण या उपचार इस बीमारी का क्या है? अभी तक इसकी कोई उपचार नहीं आए हैं, लेकिन इसके उपचार के लिए आपको कई तरह के विशेषज्ञों से मिलने पड़ेगी, जहां पर आपको एक मनोचिकित्सक से मिलना होगा, आपको एक जनरल फिजिशियन से मिलना होगा, आपको एक आहार विशेषज्ञ से मिलना होगा और ये सारे लोग मिलकर इस बीमारी का उपचार करते हैं। यहां पर एक बात और आपको बता दी जाए कि पिछले कुछ वर्षों से योग और ध्यान विधियाँ या उचित जो योगा गुरु हैं वे इस बीमारी के निदान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है जो ईटिंग डिसऑर्डर के रूप में दिखाई देता है। तो जब आप यौगिक क्रियाओं के माध्यम से अपने आप को उस परिवेश में ढालते हैं तो आपके भीतर एक मानसिक बल, शारीरिक बल तो मिलता ही है, मानसिक संबल भी आता है। तब आपके जो मेंटल डिसऑर्डर है कि आप भोजन तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कितना खाना है, उसे आप तय कर पाएंगे कि मुझे कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, किस प्रकार खाना है। तो इसके उपचार में कई विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर यौगिक क्रियाएं आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह बीमारी अधिकतर 10 से 18 साल के बच्चों को होती है, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो कालांतर में यह बड़ों को भी जारी रह सकती है और वहाँ पर स्थिति गंभीर हो जाएगी, क्योंकि
अगर बड़े उम्र तक भी यही आदत बनी रहे खूब खाने की, तो ऐसा व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है और मोटापा अपने आप में कई गंभीर बीमारियों को लाता है। इसका कोई विशेष उपचार नहीं है, लेकिन माइंडफुलनेस, खुश रहना, इसका एक अच्छा इलाज है, जहां पर आपको ध्यान, योग बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। खुश रहना सीखें, लोगों को माफ़ करना सीखें, खुश वाले माहौल में रहें, अपने आप को तनाव और स्ट्रेस से दूर रखें, लोगों की बुराई करते मत फिरें, गलत काम करते मत फिरें। जब आपका चरित्र अच्छा होगा तो बहुत हद तक चांस है कि आप इस बीमारी से दूर हट सकते हैं, क्योंकि यह अधिकतर जो कारण इसके देखे गए हैं, ऐसे लोगों को देखे गए हैं जो डिप्रेस हैं, जो तनाव में हैं, जो अकेले रहते हैं, जो बुरे कुछ काम कर रहे हैं, जिनको बुरी आदतें लग गई हैं, उनको इस बीमारी को पकड़ने के चांस ज़्यादा हैं। तो ध्यान अपने आप को दीजिए, माइंडफुलनेस में रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास खुशियाँ बांटिए और इस बीमारी से दूर रहिए।